आप जितने भी सर्वे देखेंगे, पक्ष हो विपक्ष हो, गांव हो देहात हो, टीयर टू टीयर थ्री शहर हो या मुंबई जैसी महानगरी हो, माया नगरी हो, 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सभी एकमत है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। आप कोई भी अखबार, कोई भी टीवी चैनल के पुराने सर्वे रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, क्या एकमत है? वो एकमत इस बात पर है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। चर्चा है तो क्या है? चर्चा इस बात पर हो रही है कि बीजेपी 282 का उनका आंकड़ा है, उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या वही रह जाएगी। सर्वे वाले इस बात पर भी सहमत है कि बीजेपी और उसके एनडीए साथी ये सबसे ज्यादा सीटें लेकर के पार्लियामेंट में वापस आएंगे, महायुति के लोग सबसे ज्यादा सीटें लेकर के वापस आएंगे, ये सभी सर्वे में है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रिडिक्शन नहीं कह रहा हूं, यहां भी चर्चा इसी पर है कि एनडीए अपने साथियों के साथ 300 क्रॉस करेगा या 325 क्रॉस करेगा या 400 तक पहुंच जाएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, अब सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो पार्टी जिसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसको खत्म कर दिया जाए, कांग्रेस को, उस पार्टी की क्या चर्चा है आज देश में? सारे सर्वे रिपोर्ट, सारे हिसाब किताब वाले, सारी थिंक टैंक, सारे पॉलिटिकल पंडित, उनकी चर्चा यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस 44 का आंकड़ा पार करके 50 तक पहुंचेगी या 40 पर सिमट जाएगी, ये चर्चा है। कांग्रेस की देश में जो स्थिति है उसकी यही सच्चाई है। ऐसे में अब जब 3 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी एनडीए की सरकार बननी तय हो रही है, तो समझदारी किसमें है मुझे बताइए? और ये मुंबई के लोग हैं, वो हवा का रुख पकड़ने में माहिर होते हैं। उनको भनक चल जाती है देश किधर जाएगा, वो इतने माहिर है। अब समझदारी किसमें है? क्या उस पार्टी की तरफ जाने में जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो 50 तक जाएगी, या उस पार्टी को वोट देने में जो आपके एक एक वोट से उतनी ही मजबूत सरकार बनाएगी? सीधा सीधा हिसाब है भाई। समझदारी अपना वोट बर्बाद करने में है या वोट सही जगह लगाने में है?